ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि एसडीएम के साथ समन्वित ढंग से अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की निगरानी नियमित अंतराल में करें। उन्होंने एपीएमसी व कृषि विभाग से आग्रह किया कि हमीरपुर शहर में स्थानीय सब्जी मंडी के लिए भूमि तलाश कर इसे 2 सप्ताह में प्रारंभ करने का लक्ष्य तय करें। सप्ताह में 2 दिन लगने वाली इस सब्जी मंडी में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जा रही सब्जियां बिक्री के लिए रखी जाएंगी, जिससे किसानों को विपणन का एक उपयुक्त मंच उपलब्ध होगा। वहीं लोगों को ताजा व खाद व कीटाणुनाशक रहित सब्जियां प्राप्त हो सकेंगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, सहायक आयुक्त राजकिशन, उपमंडलाधिकारी नादौन डॉक्टर चिरंजी लाल, पुलिस उप अधीक्षक हितेश लखनपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी का एक ऐसा ही मामला जिला बिलासपुर के पुलिस थाना स्वारघाट के तहत नेशनल हाईवे 205 से सटे कृषि प्रसार केंद्र और पशु निरीक्षण संस्थान स्वारघाट में पेश आया है, जहां अज्ञात चोर स्टोर और कार्यालय के ताले तोड़कर करीब 15 से 20 हजार का सामान ले उड़े। चोरी की घटना का पता सुबह चला जब कृषि प्रसार केंद्र स्वारघाट के अधिकारी कार्यालय पहुंचे और पाए कि कार्यालय के साथ साथ स्टोर के भी ताले टूटे हुए हैं। कृषि प्रसार अधिकारी प्रताप चंदेल ने पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची। कृषि प्रसार अधिकारी स्वारघाट प्रताप चंदेल ने बताया कि अज्ञात चोर 2 इलेक्ट्रिक मोटर, 5 टूल किट उड़ा ले गए हैं। आपको बता दें कि कृषि प्रसार केंद्र के साथ साथ यहां विकास खंड कार्यालय एसडीएम व तहसील कार्यालय बीईओ कार्यालय है, फिर भी चोर निडर होकर चोरी की घटना को अंजाम दे गए। जब पुलिस स्वारघाट से बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि हाईवे की रेगुलर गश्त की जा रही है। जिला बिलासपुर में सड़कों पर घूम रहे पशुओं के झुंडों से अब लोग काफी परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर घूम रहे पशु से डर लगता रहता है कि कहीं स्कूलों को जाने वाले बच्चों को अपनी चपेट में न ले लें। पहले भी ये पशु काफी लोगों को घायल कर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अब बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लगा रहता है कि कहीं सड़कों पर घूम रहे पशु उनके बच्चों को घायल न कर दें। वहीं किसानों का कहना है कि सड़कों पर घूम रहे पशु उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं तथा पशुओं का झुंड खेतों में घुस जाता है और सारी फसल को तबाह कर देता है, जिससे किसानों के चेहरों पर अब निराशा की घड़ी मंडरा रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें रात भर खेतों में रहना पड़ता है। वहीं NH 205 शिमला हमीरपुर रोड पर जुखाला नमहोल ब्रह्म पोखर के किसानों को पशुओं के झुंडों से ज्यादा परेशानी हो रही है। निराश किसानों का कहना है कि सरकार ने वादे बड़े बड़े किए हैं कि हर पंचायत में पशुओं के लिए गौशाला खोली जाएगी, लेकिन अभी तक गौशाला का नाम तक नहीं है। तथा किसान ने ये भी बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष कहा था कि टैक्स में शराब की हर बोतल से 1 रुपए काटा जाएगा, जिससे गौ सदनों के लिए लगाया जाएगा। वो सारे वायदे झूठे साबित हुए हैं। सरकार अपने फायदे के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में कुछ नहीं। किसानों ने सरकार व जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि सड़कों पर घूम रहे पशुओं से निजात दिलाई जाए, ताकि किसान अपनी फसलों को बचा सके। किसानों का सारा साल फसलों पर ही आसरा होता है, अगर वो भी पशु खा जाएं तो किसानों को भूखा रहना पड़ सकता है। वहीं सड़कों पर घूम रहे पशुओं की वजह से काफी सड़क हादसे भी हो चुके हैं, फिर भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। द्योत में आयोजित जनमंच के दौरान हुई बहस बहसाई को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए नैना देवी क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बकायदा पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया है कि जनमंच में जनता की समस्याओं को ही दरकिनार किया जा रहा है, जबकि चुनिंदा लोगों की बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले प्री जनमंच, फिर जनमंच और बाद में आफ्टर जनमंच किए जा रहे हैं। कार्यालयों से अधिकारी गायब हैं। लोग जब दूरदराज के क्षेत्रों से कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं, जबकि जनमंच में इस बार आई शिकायतों में से 195 को उपायुक्त को दे दिया गया। रामलाल ने कहा कि जब शिकायतों का निपटारा उपायुक्त द्वारा ही किया जाना है तो जनमंच पर लाखों रुपए क्यों बहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्योत में इतनी पुलिस की तैनाती कर दी गई थी जैसे कोई यहां आतंकवादी गतिविधि हो गई हो। खुद मुख्य अतिथि महोदय 11:30 बजे मंच में आई फिर प्रदर्शनियों आदि की अवलोकन कर काफी देर बाद जब मुख्य अतिथि मंच पर आसीन हुई तो ऐसे ऐसे मामलों में उनके द्वारा दखल दी गई जो किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में जब एसडीएम या पुलिस के अधिकारी को मंच से पूछा जाता है तो कानून की वैधता के क्या मायने रह जाते हैं। एसडीएम एक न्यायिक दंडाधिकारी गरिमामय पद पर आसीन है, ऐसे में उन्हें भरी जनता के बीच न्याय करने के लिए आदेशित करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। ऐसे ही कई राजस्व के मामलों में अधिकारियों को निशानदेही करने और साथ पुलिस ले जाने के फरमान भी मंच से दिए गए। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा कि जनता के सामने अपने चहेतों की बातों पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाड़ा जा रहा है।